पिछले 5 दशकों में हमारे ब्रह्मांड को जानने के लिए हमारी सिविलाइजेशन ने कई प्रयास किए हैं और इनमें से कई प्रयासों में हम सफल भी हुए हैं। पहले हमें लगता था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, लेकिन आज हमें पता है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही अरबों खरबों ऐसे प्लैनेट हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। लेकिन समस्या की बात ये है कि ये जो ब्रह्मांड है वो हमारी कल्पना से भी कई गुना विशाल है, और फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में सक्षम हो पाएं। इसलिए इंटरस्टेलर ट्रैवल अभी भी एक हमारे लिए अत्यंत मुश्किल काम बना हुआ है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो अगर सफल रहा तो वो हमारे लिए कई नए रास्ते खोल देगा इंटरस्टेलर स्पेस को जानने के लिए। अल्फा सेंटोरी सिस्टम, ये सबसे करीबी सोलार सिस्टम है हमारे सोलार सिस्टम के। इस सोलार सिस्टम में कुल मिलाकर 3 स्टार्स हैं, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ मास को ऑर्बिट करते हैं। और जो तीसरा स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो कि एक लाल बोना यानी रेड डॉफ स्टार है। अगस्त 2016 में हमारे साइंटिस्टों ने इसकी परिक्रमा करने वाले एक प्लैनेट की खोज करी जिसका नाम था प्रॉक्सिमा बी। लेकिन खास बात ये है कि ये जो प्लैनेट है वो हमारी धरती के जैसा है और यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। ये जो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, उसकी दूरी हमारी धरती से 4.24 लाइट ईयर्स है। और ये जो सोलार सिस्टम है वो हमारी पहली इंटरस्टेलर जर्नी भी हो सकता है। वोएजर 1, जो कि मानव के द्वारा बनाई गई सबसे तेज वस्तुओं में से एक है, और ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करा था। और अगर ये धरती का चक्कर लगाए तो इसे सिर्फ आधे घंटे लगेंगे हमारी धरती का चक्कर लगाने में। लेकिन अगर हम इसको प्रॉक्सिमा सेंटोरी के डायरेक्शन में भेजते हैं तो इसको वहाँ पहुँचने में सिर्फ 70,000 साल लगेंगे। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि मौजूदा तकनीक से वहाँ पहुँचना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन 12 अप्रैल 2016 को एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई जिसका नाम था ब्रेक थ्रू स्टारशॉट। इस प्रोजेक्ट में बताया गया था कि हम सिर्फ 20 साल के अंदर ही अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइट सेल्स और सोलार सेल्स क्या होते हैं। ये जो लाइट सेल्स रहते हैं वो अल्ट्रा थिन शीट्स रहती हैं जो कि लाइट के द्वारा प्रोपेल होती हैं, यानी इनकी गति लाइट के टकराने से बढ़ती है। जैसा कि आपने देखा होगा, बोट में लगे सेल से जब हवा टकराती है तो बोट की गति बढ़ती है, उसी प्रकार लाइट के टकराने से इन लाइट सेल्स की गति बढ़ती है। जैसा कि हमें पता है, जो नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट रहते हैं वो फ्यूल के द्वारा एक्सेलरेट होते हैं, यानी उनकी गति फ्यूल के द्वारा बढ़ती है, और इसी कारण से इन जो स्पेसक्राफ्ट का वज़न रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनकी गति कम हो जाती है। इसी वक्त लाइट सेल्स की खासियत काम में आती है क्योंकि इनका जो वज़न रहता है वो बहुत कम रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, लाइट सेल्स फ्यूल के द्वारा एक्सेलरेट नहीं होते, इनकी गति लाइट से बढ़ती है। इस वजह से जो इनका वज़न रहता है वो बहुत कम रहता है और इनकी गति ज़्यादा रहती है। और जो लाइट सेल इस प्रोजेक्ट में यूज़ होगा उसका वज़न तो 1 ग्राम से भी कम होगा। एक कॉइन का वज़न 2.5 ग्राम होता है, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इसका वज़न कितना कम होगा। इस लाइट सेल के बीच में एक नैनो चिप लगी होगी जिसमें सारे सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स, एंटीनास लगे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो लाइट सेल है वो कैसे चलेगा। जैसे कि सोलार सेल्स सन की रोशनी के ज़रिए चलते हैं, ये लाइट सेल्स अर्थ पे लगे लेज़र एरे के द्वारा छोड़ी गई विजिबल लाइट के द्वारा प्रोपेल होंगे। और ये जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही लाइट की गति के 20% तक पहुँच जाएंगे, और इनको सिर्फ 20 साल लगेंगे प्रॉक्सिमा बी तक पहुँचने में।
लेकिन जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि ये जो लाइट सेल हैं वो प्रोक्सीमा बी पर नहीं रुकेंगे, ये वहाँ से चलते ही जाएंगे। इनको कुछ नैनो सेकेंड से मिलेंगे प्रोक्सीमा बी की जानकारी लेने के लिए। इस परेशानी को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट में एक नहीं कई सारे लाइट सेल्स एक साथ छोड़े जाएंगे, जिसमें इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि कुछ ना कुछ लाइट सेल्स वहाँ पहुँचें और इस प्लेनेट की अच्छे से जानकारी ले पाएँ। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट की माने तो ये सबसे अच्छा मेथड है इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने का, और इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट और बिलियनियर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, सब कुछ सही रहा तो 50 साल के अंदर हम पहली बार अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकेंगे और शायद हम पहली एलियन सभ्यता से भी मिल पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन दबाइए और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। अब तो हफ्ते में 2-3 ऐसे वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।